गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन बायोकेमिस्ट्री का यूनिट फाइव जो कि क्लिनिकल पैथोलॉजी है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड पैथोलॉजी ऑफ यूरिन। ठीक है, इसके अंदर जो अपना फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी। तो आज अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि पैथोलॉजी क्या होती है, तो पैथोलॉजी के बारे में अगर अपन बात करते हैं, सो पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस। ठीक है, पैथोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दैट इज पैथो प्लस लॉजी। ठीक है, लॉजी के बारे में अपन बात कर चुके हैं, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, जब भी अपन किसी चीज़ की स्टडी के बारे में बात करते हैं तो अपन वर्ड यूज़ करते हैं लॉजी। ठीक है, जैसे कि हिपैटोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर, एंडोक्राइनोलॉजी स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी, ठीक है, गायनेकोलॉजी स्टडी ऑफ फीमेल डिजीजेस। ठीक है, तो अपन जिस भी चीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं वहाँ पे अपन वर्ड यूज़ करते हैं लॉजी। ठीक है, और पैथो का यहाँ पे मतलब है डिजीज। ठीक है, तो पैथोलॉजी को अगर अपन कलेक्टिवली यूज़ करें तो इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनी डिजीजेस। ठीक है, जब भी अपन किसी डिजीज़ की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, किसी भी डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं, देन इट इज कॉल्ड पैथोलॉजी। ठीक है, अगर अपन ब्रॉड साइंस के अंदर बात करेंगे पैथोलॉजी क्या है, तो फर्स्ट चीज तो ये है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेस एंड इट ऑल्सो कवर्स द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय दैट डिजीजेस। जब भी ये डिजीज जो है किसी पर्सन को इफेक्ट करती है, अगर पीपल्स को इफेक्ट करती है, तो ये उनके अंदर किस तरह के चेंजेस, क्या क्या चेंजेस प्रोड्यूस करती है, लाइक इमोशनल चेंज, लाइक बिहेवियरल चेंज, लाइक सोशल चेंज, लाइक फिजिकल चेंज, किसी भी तरह का जो चेंज इंड्यूस कर रही है उसको भी अगर अपन स्टडी करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड पैथोलॉजी। ठीक है, उसको भी ये कवर करती है। ठीक है, सो अगर मैं ब्रीफ इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, पैथोलॉजी में भी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेज एज वेल एज द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय दैट डिजीजेज ऑन द ह्यूमंस। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैथोलॉजी ऑफ ब्लड। ठीक है, अब देखिए पैथोलॉजी ऑफ ब्लड है, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, अभी अपन ने बात करी पैथोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ डिजीजेस। नाउ पैथोलॉजी ऑफ ब्लड इसका मतलब कि स्टडी ऑफ ब्लड रिलेटेड डिजीजेस, जितनी भी ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस हैं उनके बारे में अगर अपन स्टडी करेंगे देन इट इज कॉल्ड पैथोलॉजी ऑफ ब्लड। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं व्हाट इज ब्लड, ब्लड होता क्या है। ठीक है, ये अपन एट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ब्लड क्या है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब से अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सी लाइन यूज़ करते हैं दैट इट इज़ द फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ पढ़े हैं, लाइक एपिथेलियल टिश्यू, लाइक एडिपोज टिश्यू, लाइक मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो जितने भी तरह के टिश्यूज़ जो होते हैं उसके अंदर जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लूड। ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में होता है इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब अगर अपन ब्लड के फंक्शंस की बात करें तो ब्लड के फंक्शंस क्या हो जाते हैं, इट ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, राइट, ओके, एंड इट ऑल्सो ट्रांसफर द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ठीक है, इट मेंटेन्स द ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ऑस्मोलरिटी जो मेंटेन करनी होती है, ऑस्मोलरिटी मतलब कि आइसोटोनिसिटी होता है, हाइपरटोनिसिटी होता है, हाइपोटोनिसिटी होता है, ये सारा जो होता है ब्लड के, ब्लड से रिलेटेड होता है, ब्लड ही इनको मेंटेन करने में हेल्प करता है। द मिनरल्स एंड आयंस प्रेजेंट इन द ब्लड हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द टोनिसिटी। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, बॉडी का जो थर्मोरेगुलेशन होता है उसको भी ब्लड हेल्प करता है फॉर मेंटेनिंग। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस थे रिलेटेड टू ब्लड। ठीक है, अब अगर अपन बात करें कंपोजिशन ऑफ ब्लड की, ठीक है, तो अभी तक अपन ने जो इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी पढ़ा, ठीक है, उसके बाद में अपन ने पैथोलॉजी ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ा कि पैथोलॉजी ऑफ ब्लड क्या होती है, इट इज द स्टडी ऑफ डिजीज रिलेटेड टू ब्लड। उसके बाद में अपन ने ब्लड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ठीक है, उसके ब्लड के फंक्शंस पढ़ लिए। अब अपन पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड का क्या मतलब होगा कि ब्लड के अंदर क्या क्या है, ब्लड किससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करूँ तो ब्लड इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, वन इज प्लाज्मा एंड अनदर वन इज कार्पसल्स। ठीक है, कार्पसल्स या फिर जिन्हें अपन सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल टर्म के अंदर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, ओके, सो प्लाज्मा एंड कार्पसल्स। ठीक है, तो देखिए प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज द येल्लो कलर्ड विस्कस फ्लूड प्रेजेंट इन द बॉडी। ये एक विस्कस फ्लूड टाइप का सब्सटेंस होता है दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है, लिक्विड पोर्शन होता है ये ब्लड का। ठीक है, नाउ अगर अपन कार्पसल्स की बात करें, कार्पसल्स आर द सॉलिड फॉर्म्ड मटेरियल्स ऑफ द ब्लड। ठीक है, दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, जो आपके कार्पसल्स हैं दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, विच आर दे, फर्स्ट वन इज एरिथ्रोसाइट्स, अनदर वन इज ल्यूकोसाइट्स एंड अनदर वन इज
थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो आपका जो ब्लड है, ब्लड डिवाइड हुआ है दो पार्ट्स के अंदर, प्लाज्मा एंड कॉर्पसल्स के अंदर। देन कॉर्पसल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स जिन्हें अपन कॉमनली रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स जिन्हें अपन कॉमनली WBCs या व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स या फिर जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स, राइट। ओके, चलिए अब अपन एक बार थोड़ा सा डिटेल से प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या है ब्लड प्लाज्मा? इज अ येलोइश पिगमेंट लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट होल्ड्स द ब्लड सेल्स इन द होल ब्लड इन सस्पेंशन, ठीक है। वो ब्लड की जितनी भी सेल्स होती है उनको ब्लड के अंदर होल्ड करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। इट इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट कैरीज सेल्स एंड प्रोटीन्स थ्रू आउट द बॉडी। ओके, इसके बारे में अपन बात कर चुके थे। प्लाज्मा क्या होता है? इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, राइट। ओके, अब अपन अगर कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में अपन ने बात कर ही ली है, ठीक है। प्लाज्मा एंड कॉर्पसल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है, नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज अंडर द पैथोलॉजी। अगर नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करें किसके अंदर, पैथोलॉजी ऑफ ब्लड के अंदर जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, सब टॉपिक जिसको अपन बोल सकते हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड, ठीक है। तो देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड क्या होंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड क्या होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड का मतलब है कि दे आर द टेस्ट रिलेटेड टू द ब्लड, ठीक है। अगर अपन को आइडेंटिफाई करना है दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिजीज रिलेटेड टू ब्लड, देन वट विल बी द टेस्ट वी आर गोइंग टू परफॉर्म, ठीक है। कौन से तो टेस्ट अपन करेंगे जिससे अपने को ये पता चलेगा कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ब्लड डिजीज, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड हैं जिनकी अगर नॉर्मल रेंज प्रेजेंट है देन द पर्सन इज नॉर्मल, ठीक है। अगर ये एबनॉर्मल रेंजेस के अंदर प्रेजेंट है देन पर्सन मे बी सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ब्लड रिलेटेड डिजीज, ठीक है। तो देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड जो है इसके अंदर जो फर्स्ट टेस्ट आता है आपका दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फर्स्ट टेस्ट इज आर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड। ओके, तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड आपका क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है व्हेन वी कंपेयर वन सॉल्यूशन विद द स्टैंडर्ड वन, ठीक है। जब अपन किसी एक सॉल्यूशन को किसी दूसरे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करते हैं देन इट इज नोन एज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे अपना सॉल्यूशन, सैंपल सॉल्यूशन कौन सा है, ब्लड है। ब्लड के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ब्लड का अपन टेस्ट कर रहे हैं, तो अपना सैंपल सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, ब्लड, ठीक है। अगर अपन ब्लड को किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में उसकी डेंसिटी को किसको कंपेयर करते हैं, उसकी डेंसिटी को, अगर अपन उसकी डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं तो जो अपने को रिजल्ट मिल रहा है दैट विल बी द अर्थ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, अच्छा इसकी नॉर्मल रेंज की अगर अपन बात करें तो नॉर्मल रेंज इसकी मेल्स के अंदर होती है 1.057 एंड फीमेल्स के अंदर होती है 1.053, ठीक है। अब देखिए इसका वेरिएशंस कब होते हैं, देखिए ये इट इंक्रीजेस व्हेन, ये कब बढ़ जाती है, इफ वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी विच मे बी ड्यू टू एक्सेसिव स्वेटिंग और डायरिया और बाय एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड्स इनटू द टिश्यू, मतलब कि या तो पर्सन की बॉडी से वाटर का लॉस हुआ हो या मिनरल्स का लॉस हुआ हो, इट कैन बी ड्यू टू डायरिया, ठीक है। डायरिया और एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से अपनी बॉडी, आपकी बॉडी से अगर वाटर का लॉस हुआ है देन योर स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द हाउ इट कैन डिक्रीज, इट कैन डिक्रीज व्हेन देयर इज अ सीवियर हिमरेज इन द बॉडी, अगर आपकी बॉडी के अंदर सीवियर हिमरेज हुआ है तब आपकी बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। सो इट वॉज द फर्स्ट टेस्ट रिलेटेड टू ब्लड, कौन सा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। नाउ नेक्स्ट टेस्ट क्या है आपका, नेक्स्ट टेस्ट है आपका विस्कोसिटी ऑफ ब्लड टेस्ट, ठीक है। चलिए अब अपन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए विस्कोसिटी ऑफ ब्लड क्या होता है, विस्कोसिटी की अगर अपन नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो विस्कोसिटी क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच रेजिस्ट टू फ्लो, ठीक है। जो भी फ्लूइड होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी, जो कि क्या करती है, उस फ्लूइड को फ्लो होने से रोकती है, ठीक है। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू फ्लो, ठीक है, फ्लो को रोकना, दैट इज विस्कोसिटी। ऐसा कह सकते हैं इट इज द थिकनेस और कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लूड, ठीक है। जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतनी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी, राइट। ओके, चलिए इसकी अगर अपन ब्लड की बात करें तो ब्लड के अप्रोक्स तो जो विस्कोसिटी होती है वो कितनी होती है, ब्लड के अप्रोक्स विस्कोसिटी है 4.7, ठीक है। अब देखिए ये कब बढ़ जाती है, इट इंक्रीजेज इन द केस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटिक मेलाइटस, ठीक है। मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर क्या है, ग्लूकोज की क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो गई है तो आपकी बॉडी के अंदर विस्कोसिटी, आपकी ब्लड की जो विस्कोसिटी होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, एज वेल एज इट ऑल्सो इंक्रीज इन द केस ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया मतलब लिपिड्स की कंसंट्रेशन अगर आपकी बॉडी के अंदर बढ़ गई हो देन, अच्छा लिपिड्स की कंसंट्रेशन अगर बॉडी के अंदर बढ़ जाती है तो एक और डिजीज होती है जिसके बारे में अपन बात करे थे लिपिड्स का जब अपन ने स्टडी किया था। तो
वो एक डिजीज थी जिसका नाम था एथरोसिलरोसिस। ठीक है, एथरोसिलरोसिस के बारे में अपन ने बात किया था। इट अकर्स व्हेन डिपोजिशन ऑफ द लिपिड्स इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, लिपिड्स का डिपोजिशन हो जाता है, इस वजह से ब्लड जो होता है प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर नहीं पहुंच पाता है हार्ट के अंदर। सो इट इज अ डिजीज रिलेटेड टू CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड एक डिजीज है एथरोसिलरोसिस। राइट, ओके ओके। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीजेस व्हेन एनीमिया एंड फीवर। अगर पर्सन जो है वो उसको एनीमिया है, एनीमिया मतलब RBCs अगर बॉडी के अंदर कम है, देन इट्स विस्कोसिटी विल डिक्रीज। नेक्स्ट टेस्ट इज आर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन टेस्ट। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन टेस्ट क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट विच इज डन बाय अ मेथड नोन एज विंड्रॉप ट्यूब मेथड। विंड्रॉप्स ट्यूब मेथड जो होता है उससे इसको परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर एक ट्यूब ली जाती है, उसके अंदर ब्लड को फिल कर दिया जाता है और वर्टिकल पोजिशन के अंदर उसको रख दिया जाता है कुछ देर के लिए, जिससे कि क्या होता है थोड़ी देर के अंदर जो भी एरिथ्रोसाइट प्रेजेंट है उस ब्लड के अंदर वो क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, तो सेटल डाउन होने के बाद में उसको मेजर करते हैं कि कितने सेंटीमीटर या कितने mm तक जो है वो मतलब कि सेटल हुई है। ठीक है, तो इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, मेल्स के अंदर होती है 0.0 से लेके 7 तक और फीमेल्स के अंदर होती है 0 to 15 तक। देखिए अब ये इंक्रीज कब हो जाता है, अगर आपकी बॉडी का ESR बढ़ा हुआ है, आपके ब्लड के अंदर ESR बढ़ा हुआ है, इट शोज दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर इन्फेक्शन। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर अगर किसी तरह का इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो क्या होता है, आपकी एरिथ्रोसाइट्स, आपकी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नाउ इट डिक्रीजेस व्हेन, ये कब डिक्रीज होता है, इट डिक्रीज इन द केस ऑफ CO2 राइज। ठीक है, अगर राइज इन CO2 हो रहा है तब ये डिक्रीज हो जाता है। इट ऑल्सो डिक्रीज इन द वैन राइज इन द एल्ब्यूमिन कंटेंट। एल्ब्यूमिन कंटेंट अगर राइज होता है तब ये डिक्रीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका टेस्ट है pH ऑफ ब्लड। pH ऑफ ब्लड का टेस्ट आपका क्या है, देखिए इट वेरीज विद pH ऑफ ब्लड आपका कितना होता है, 7.3 to 7.4 है आपके ब्लड का pH। इट डिफाइंस द आइसोटोनिसिटी ऑफ बॉडी फ्लूड्स। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दैट इट डिफाइंस द आइसोटोनिसिटी ऑफ बॉडी फ्लूड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द कोएगुलेशन टाइम। कोएगुलेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोएगुलम और क्लॉट। ठीक है, क्लॉट का जो फॉर्मेशन होता है, जब भी आपको इंजरी होती है तो आपकी बॉडी से ब्लड निकलता है। ठीक है, बट कुछ देर बाद क्या होता है, वो ब्लड स्टॉप हो जाता है, वहाँ पे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉट। और इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्लड कोएगुलेशन और ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स होती हैं और कुछ एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, लगभग 13 तरह के फैक्टर्स बताए गए हैं। वो 13 तरह के फैक्टर्स और ये जो आपका प्लेटलेट्स हैं, ये दोनों मिलके विद कुछ डेड सेल्स, ठीक है, डेड सेल्स के साथ में मिलके ये फॉर्मेशन करते हैं वहाँ पे नेटवर्क का। ठीक है, एक फिब्रिन लाइक नेटवर्क बन जाता है वहाँ पे। ठीक है, अच्छा देखिए नॉर्मल आपका कितना है, 3 to 5 minutes के अंदर आपका क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ये है मतलब कि अगर आपके ब्लड क्लोटिंग टाइम पर नहीं हो रही है तो आपको क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, दैट में लीड टू डेथ ऑफ द पीपल आल्सो। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट टेस्ट, दैट्स ऑल अबाउट द टेस्ट रिलेटेड टू ब्लड। ये ब्लड से रिलेटेड जितने भी टेस्ट थे ये आपके यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स के बारे में अपने को स्टडी करना है। ठीक है, ओके।